नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना इसी तरह मौसम का ताजा हाल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने राज्य जिला गांव के ताजा मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में अपने राज्य जिले गांव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में इस बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली हिंसा में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे यहां के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आज दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंडी हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बिहार में भी तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। प्रदेश की राजधानी पटना और गया समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान गिरा है। बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 फरवरी को तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में धूप भी खिल रही है, लेकिन सर्द हवाओं ने अचानक ही ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी व बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ जगह पर बर्फबारी की संभावना है। वहीं असम और नागालैंड में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं देश के बाकी राज्यों में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और लास्ट में, हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।